Hello students, today we will discuss on third equation of motion, which is v square is equal to u square plus 2as by graphical method. आज हम third equation of motion को graphical methods की मदद से solve करेंगे और इसके लिए जो diagram हमने first equation of motion और second equation of motion में इस्तेमाल किया था उसी को फिर से हम इस्तेमाल करेंगे. जो हमारा ये diagram था ओ ए बी सी वाला, उसी को आज हम फिर इस्तेमाल करेंगे. और इसमें ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रेपिजम की शेप लिए हुए है. यहाँ से ये और ये वाला ट्रेपिजम की शेप है और इसका अगर हमें एरिया पता लग जाए तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करेंगे. अब देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल एस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपिजम ओ ए बी सी. अगर हम ओ ए बी और सी का एरिया हमें पता लग जाए तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड का पता लग जाएगा. अब उसमें क्या है, इसके लिए हम जो डिस्टेंस निकालते हैं, जो ट्रेपिजम का एरिया निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाय टू. ये ट्रेपिजम का एरिया निकालने का फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे. तो सम ऑफ पैरेलल ओ ए और सी बी प्लस किया है इंटू ओ सी, हाइट वाली लाइन ली हमने, डिवाइड बाय टू. नाउ अब अगर हम देखें ओ ए, ओ ए प्लस सी बी, ये जो सी बी है तो ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो सी बी है ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और जो AOC है ये क्या हमारा T. तो ये वैल्यू इसकी, इनकी जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी, S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू टी बाई टू. अब अगर हम देखें वी नाउ वांट टू एलिमिनेट T फ्रॉम द अबव इक्वेशन, दिस कैन बी डन by obtaining the value of t from the first equation of a motion. अगर हम first equation of motion में से का इस्तेमाल करके t को हम यहाँ से eliminate करें तो t की value अगर वहाँ पे रख दें और उसके according first equation of motion हमारी क्या है, v is equal to u plus 8t. तो यहाँ पे जो t की value आई थी वो आई थी हमारी t is equal to v minus u by a. अब इस value को हम यहाँ पे put कर दें तो हमें क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू यू प्लस वी इन टू में वी माइनस यू बाई टू ए, हमारे पास ये आई है. अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या बनाएगा टू ए एस, और इसको और इसको और इसको जब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास में फार्मूला होता है इस तरह का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए बी, वही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. और यही क्या हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस तरह से हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं. हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को पहले सिंपल तरीके से सोल्व किया, अब हमने तीनों को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया है. और तीनों ही इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, या v square is equal to u square plus 2as. यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है. अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और इसी को ड्राइव करेंगे कि अगर हमें उसमें कोई मोशन निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, v किसके बराबर होगा, वो अगले टॉपिक के अंदर, वो भी आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा. और ये जो तीनों इक्वेशन की हमने वो भी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम आती हैं. क्लियर बेटा?